हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो गैस मैं आज आपके लिए फिर से आपके साथ लेके चला है कुछ एक बड़ा टेक न्यूज़ के बारे में। तो अगर आप सोच रहे कि गैस यहाँ पे मैं 5 टेक न्यूज़ लेके आया हूँ, तो गैस यहाँ पे मैं 5 टेक न्यूज़ नहीं लेके आया हूँ, क्योंकि गैस यहाँ पे जो गैस यहाँ पे 5 जो टेक न्यूज़ है वो मैं सोचा हूँ कि गैस हफ्ते में आपको एक ही बार प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और गैस यहाँ पे जो आपको गैस हर डे जो गैस डेली की डेली एक जो गैस अच्छे टेक न्यूज मैं आपके साथ लेके आऊंगा। तो गैस वो टेक न्यूज के बारे में आपको जो गैस थंबनेल में देख लिया होगा गैस। चलो जो वीडियो है वो बिना कोई टाइम उसका शुरू कर लेते हैं, ठीक है। मेरा भी तो इस वीडियो को देखा हो ना, ये आपको वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पे न्यू हो तो एक सब्सक्राइब मार देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो बेल आइकन देख रहा है ना, वो बेल आइकन को ऑल पे कर देना। तो अगर ये जो वीडियो है आज की वीडियो, तो जो वीडियो शुरू करते तो आज की जो वीडियो होने वाले है वो आपको यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी F51 के बारे में हो रही है। तो गाइस यहाँ पे आपको जो गाइस बताओ कि सैमसंग गैलेक्सी F51 जो गाइस यहाँ पे बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है इंडिया पे, तो गाइस उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा जो कि गाइस आपके लिए बहुत हेल्पफुल और गाइस नॉलेजेबल रहने वाली है। तो गाइस यहाँ पे वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो गाइस यहाँ पे मैं बता दूं कि गाइस यहाँ पे जो सैमसंग गैलेक्सी A51 है ना, वो गाइस यहाँ पे वियतनाम पे जो गाइस यहाँ पे वियतनाम पे 12 दिसंबर जो गाइस यहाँ पे टाइम है, तो ऐसे पे दिसंबर के पे 12 दिसंबर को ये जो फोन है ये आपको लॉन्च देखने के लिए मिलेगा, लॉन्च होगा। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको मैं इस फोन के बारे में कुछ खासियत आपको उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। तो गाइस यहाँ पे जो बात है ना इस फोन को लेकर, फोन हो रहा है बहुत ही अच्छा है स्मार्टफोन रहने वाली है। तो गाइस इसका जो फीचर्स है ना वो भी देख के आप बहुत पागल हो जाएंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पे लॉन्च से पहले तो गाइस इसका जो फोन का लीक्स है ना वो आज ही रिवील्ड हुआ है, ठीक है गाइस। तो आज ही रिवील्ड हुआ है, वो भी गाइस यहाँ पे सैमसंग का जो कंपनी है ना, तो कंपनी के तरफ से यही जानकारी हमको मिली है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे जो प्रेस रीडर में, तो गाइस यहाँ पे फोन को प्रेस रीडर में पहली बार यहाँ पे ले आया गया था, तो फोन का जो गाइस कुछ ऐसा आपको जो गाइस मैं आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसा आपको लुक्स इस फोन को देखने के लिए मिलेगा जो कि गाइस यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 की तरफ से होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 की और इसकी जो लुक्स है वो सेम रहने वाली है, जो कि गैस बहुत ही एक अच्छा खासा लुक देखने के लिए हमको मिलेगा। तो गैस ये फोन जो है ना, ये फोन का जो यहाँ पे ए सीरीज की तुलना किया जाए, तो गैस आपको सैमसंग गैलेक्सी का जो ए सीरीज है ना, ये ए सीरीज स्मार्टफोन, ए सीरीज स्मार्टफोन पे जब हम तुलना किया जाए, तो गैस इस ए सीरीज फोन से बेहतर आपको जो कैमरा है वो बेहतर कैमरा आपको इस फोन में A51 पे मिलेगा। क्योंकि गैस ए सीरीज पे आपको देखोगा ये पे ए इसका फीचर्स की बात करें हम, तो इसका फीचर्स आपको बहुत फासू देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो फर्स्ट जो फीचर्स है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि गाइस ये पे जो फीचर्स है इसका जो गाइस ये पे एल शेप की इसका कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और गाइस ये जो गाइस ये पे आपको जो 5 होलो डिस्प्ले है आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो पे 5 होलो डिस्प्ले आपको बैक में देखने के लिए, आपको फ्रंट कैमरा में आपको देखने के लिए मिलेगा। और गाइस इसमें जो आपको बता दिया जाए कि गाइस ये जो डिवाइस है ना ये आपको 4 वेरियंट पे मिलेगा, जिसे पे 4 कलर्स वेरियंट पे आपको मिलेगा, जो कि गाइस आपको 1 नंबर पे ब्लैक, 2 नंबर पे व्हाइट और 3 नंबर पे आपको यहाँ पे पिंक और 4 नंबर पे रेड आपको प्रोवाइड करेगा, जो ये एक बहुत ही अच्छे कलर कॉन्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो गाइस इस फोन का फीचर्स और भी है, तो गाइस यहाँ पे जो इस फोन का जो यहाँ पे वजन है ना ये आपको 172 ग्राम है, ठीक है, जो कि गाइस बहुत ही हल्का आपको देखने के लिए मिलेगा और बहुत ही स्लिम होने वाली है सेट। और अगर इसका जो कैमरा की बात करें, तो मैं कैमरा पे आ जाता हूँ, तो गाइस इसका जो कैमरा की हम बात करते हैं, तो इसका कैमरा के बात करने पर हमको मैं बता दूँ इसका जो 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलेगा, तो जब आपको 4 कैमरा आपको पीछे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले मैं बता दूंगा जब 4 कैमरा आपको पीछे देखने के लिए मिलेगा, तो जब फर्स्ट जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होने वाले है, और कैसे पे सेकंड जो कैमरा है ना वो आपको 12 मेगापिक्सल का रहने वाली है, जो कि कैसे पे अल्ट्रा वाइड एंगल की सुविधा आपको दिए जाएगी इस कैमरा से। अगर यहाँ पे जो 5 मेगापिक्सल की और एक कैमरा है वो आपको डेप्थ सेंसर, तो जैसे पे कैमरा के डेप्थ सेंसर के लिए आपको ये यूज करना होगा। और अगर यहाँ पे जो और भी एक 5 मेगापिक्सल है वो आपको जैसे पे माइक्रो कैमरा दिया गया है, तो जैसे पे जो कैमरा है ना वो बहुत ही काफी अच्छा देखने के लिए सैमसंग पे आपको मिल जाएगा आपका सैमसंग गैलेक्सी A51 पे। और अगर यहाँ पे जो यहाँ पे और भी मैं बता दूँ कि इसका जो सेल्फी कैमरा रहने वाली है वो भी बहुत धासु होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फी जो कैमरा है ये 32 मेगापिक्सल की रहने वाली है, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो
डिस्प्ले की बात करें तो अगर इसका डिस्प्ले आपको मिलेगी 6.5 इंच, जो कि पे बहुत ही अच्छे एक डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करेगी। और अगर इसको जो डिस्प्ले है वो आपको एमलॉयड सुपर एचडी डिस्प्ले मिलने के लिए दिखेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा वो एमलॉयड होने वाली है। और भी मैं आपको जो अगर पे जो फीचर्स है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो अगर ये जो फोन का जो वेरियंट है ना, जो इसका फोन का जो बेस वेरियंट है, डिवाइस का बेस वेरियंट, वो आपको 6 GB RAM और 128 GB RAM के साथ आता है, जो कि यहाँ पे आपको इंटरनल मेमोरी जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो कहा 6 GB RAM और 128 इंटरनल मेमोरी के साथ ये फोन आता है मार्केट पे। अगर तो इसका जो प्रोसेसर है ना, वो भी आपको सैमसंग के ही प्रोसेसर आपको इस फोन पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पे सैमसंग का जो प्रोसेसर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया 9611। तो यहाँ पे 9611 जो प्रोसेसर है ना, वो आपको प्रोसेसर प्रोवाइड किया है, जो कि यहाँ पे 8 नैनोमीटर बेस्ड चिप से ट्रेने वाली है। और अगर यहाँ पे काफी जो स्मूथ गेमिंग इस प्रोसेसर पे आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर ये प्रोसेसर आप जो कि यहाँ पे कैमरा भी थोड़ा इफेक्ट आपको प्रोसेसर पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि यहाँ पे कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहने वाली है, ठीक है। उनका यहाँ पे जो कैमरा के साथ साथ मैं बता दू की गज और भी एक बता दू की गज यहाँ पे 50 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाली है। और इस फोन का जो बैटरी होने वाली ना, उसके बारे में भी आपको जानकारी देखिए गज यहाँ पे बैटरी जो यहाँ पे 4000 mAh की रहने वाली है, जो गज ये भी गज हमको जो गज बहुत ही अच्छा लगा है पर्सनली। तो गज आपको अच्छा लगा है क्या नहीं, वो मेरा कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तो ये पे जो और भी एक बात करें तो ये जो खबर है ना, ये जो स्पेसिफिकेशन है ना, वो आप देख वो आप सुन के ही हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये स्पेसिफिकेशन बहुत ही मस्त रहने वाली है। क्योंकि जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, यहाँ पे सैमसंग ने सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट प्रोवाइड किया है सैमसंग गैलेक्सी 51 पे। तो गाइस ये जो है, ये जो एक फीचर्स है, वो गैस बहुत ही अच्छा मेरे को लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है ना, फोन का जो सिक्योरिटी, वो यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ही चेंज करी है, मतलब स्मार्ट सिक्योरिटी का प्रोवाइड यहाँ पे सैमसंग ने करी है, जो कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो बस यही थी आज की जो वीडियो, आज के जो यहाँ पे टेक न्यूज से सैमसंग गैलेक्सी F51 के बारे में, ठीक है। तो इस आपको जो गाइस यहाँ पे जो नॉलेज मिली मेरे इस पे, जो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। अगर यहाँ पे चैनल पे न्यू हो तो ना एक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, क्योंकि गाइस हम क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी देते हैं। और अगर मैं आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो मैं सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।